अरे सुनो, अरे सुन रही हो? वो मेरा काला चश्मा कहाँ है? डार्क ग्लासेस मिल नहीं रहा है। सुन रही हो? ओ इस घर में मेरी कोई सुनता ही नहीं है। शहंशाह बुलाते रहेंगे और मैडम बादशाह सुनती रहे, मैं ही ढूंढता हूँ वो कहाँ गया इनका काला चश्मा। सुन रही हो? ओ बर्बीता, कोई और थोड़ा सोचती थी पांडव। ओए पागल हो गया पाजी, सो रहा हूँ ना मैं। ओ बीरे, अंकल का काला चश्मा घूम गया, उठ जरा हेल्प कर ढूंढने में। मैं क्यों मदद करूँ, तू उठाए तू जा, मैं सो रहा हूँ गुन्ने। पर अब तो तू उठ गया है ना ब्रो। मैं उठा नहीं हूँ, तूने मुझे उठाया है तो तू जा। बस कर रहा था, चला मदद करा त्यांना, दोघा मिळून शोधा त्यांचा चश्मा, चला। ते बिन्ने मंदले बन इन्ने कुंडो लिस चलियो इले रंडे रे पेंदा वेंडे। आपने अंकल का बॉबल देखा है? घूम गया है। हाँ नया नटन हूँ, उरे पहले मॉडल ग्लास ले अमित जोड़ नेंगल के बिकने बोलता पुतिये मॉडल ग्लास वेंगे पड़े। आचाने आचाने कुरे ग्लास ले उन्दा दे दूँ। इन्द ग्लास वेंगे पड़े इदा इल्ले इदा। नहीं नहीं नहीं, ये चीटिंग हुआ ना, जब भी मैं कंफ्यूज होता हूँ आप दोनों लैंग्वेज बदल के मुझे और कंफ्यूज कर देते हो। अंकल जी। भाई भाई। अंकल जी। ఏంట కొట్టడం? తలుపు ఇరుగుపోగలదు, ఏం కావాలి? ఓ కాళా చచ్చబాని మిల్రా, బాత్రూమ్ మీద దునియా ఆయన. అరే ఈ బాత్రూమ్ లోకి నీళ్ళే రావడం లేదు, ఇంకా కళ్ళజోడు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? మామా అంకజీకి కళ్ళ చష్మ పోగా దేఖా ఆల్రెడీ కళ్ళు చూడదు నన్ను ఏం నోడలే బ్రో, వదిలి నోడుకో అమ్మ నాకు నోడుతుంది. సో ముజి మామా క్యూ మనా రే ఆజ్? అరే ছেলে দুটো তো মাথা খারাপ হয়ে গেছে, একজন এসে একটা প্রশ্ন করছে পরের জন এসে সেই একই প্রশ্ন করছে। আপনি এই সানগ্লাসটা কোথাও দেখেছেন? अंकल का काला चश्मा नहीं मिल रहा, तूने देखा कहीं? हाँ देखा था, फिर मैंने तुम छोड़ो मैं दे दूंगी। अरे भाभी ये लीजिए। अरे यहाँ पहले एक बात क्लियर कीजिए। थैंक यू। काला चश्मा अभी क्यों चाहिए आपको? ये धूप का चश्मा मुझे इसलिए चाहिए था क्योंकि अब मुझे ये चाहिए नहीं, कुछ दिनों घर के बाहर तो जाना नहीं है ना, इधर उधर पड़ा रहेगा तो खो जाएगा तो फिजूल में आप सब लोगों को ढूंढना पड़ेगा। क्यों आप सबको तकलीफ दूंगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस फिल्म को बनाने में हम सब में से कोई भी अपने घर के बाहर नहीं निकला, जितने भी कलाकार आपने देखे सब अपने प्रांत अपने शहर अपने घर में थे और वहीं पर शूटिंग की, कोई भी घर से बाहर नहीं निकला। आप भी घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, क्योंकि तभी आप इस खतरनाक कोरोना बीमारी से सुरक्षित रह पाएंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम स्टे सेफ। इस फिल्म को बनाने के पीछे एक और मकसद है, हमारे देश का फिल्म उद्योग एक है, हम सब एक परिवार है, लेकिन हमारे पीछे एक और बहुत बड़ा परिवार है जो हमारे लिए काम करता है, वो है हमारे वर्कर्स और डेली वेज अर्नर्स जो इस लॉकडाउन की वजह से संकट में है। हम सब ने मिलकर स्पॉन्सर्स और टीवी चैनल के सहयोग से धनराशि इकट्ठा की और इस संकट की घड़ी में ये जो धनराशि है वो हम देश भर के फिल्म उद्योग के वर्कर्स और डेली वेज अर्नर्स को राहत के तौर में देंगे। सो डोंट बी स्केयर्ड, डोंट पैनिक, बी सेफ, दिस टू शैल पास, टल जाएगा ये संकट का समय। धन्यवाद, नमस्कार।